गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वीडी मैथ्स पॉइंट पे। तो बच्चों, अभी जो पिछली क्लासेस हुई थी उनमें हमने बात की थी, कहने का मतलब चैप्टर नंबर 4 हमारा चल रहा था। क्वेश्चन शुरू करने से पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए कि अगर हम किसी कोण का निर्माण करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं कोण का निर्माण करने का। कितने तरीके होते हैं कोण का निर्माण करने के? दो तरीके होते हैं। दोनों तरीके समझते हैं पहले। एक तो हम किसी कोण का निर्माण कर सकते हैं चांदी की सहायता से, उसको हम डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी, चांदी की सहायता से। और दूसरा हम किसी भी कोण का निर्माण कर सकते हैं प्रकार व पेंसिल की सहायता से। आओ देखिए चांदी की सहायता से कैसे कर सकते हैं बच्चों। इस प्रकार का होता है डी, इसको हम चांदा बोलते हैं। जब हम पढ़ाते थे स्कूल में तब हम चांदा ही बोलते थे, बाद में पता लगा कि इसको डी भी बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से होता है, आपने देखा होगा, आप सब बच्चों के पास होगा भी। तो चांदी पे बच्चों क्या होता है, चांदी पे बिल्कुल जो बीच में लाइन होती है ना वो तो 90 डिग्री की होती है। समझ में आ रहा है? देखो ध्यान से, जो बीच वाली बिल्कुल बीच वाली लाइन है ना वो 90 डिग्री की होती है। अगर अब दो प्रकार से हमें जब कोण का निर्माण करते हैं ना, तो जैसे हमारे पास एक रेखाखंड है, ये हमारे पास एक ए बी रेखाखंड है। अब अगर मुझे इससे इस पे चांदी की सहायता से कोण का निर्माण करना रहेगा तो मैं क्या करूंगा, चांदी के बिल्कुल बीच वाले मुंह को इससे रेखाखंड के नोक पर या शीर्ष पर रख दूंगा, और फिर मुझे जितना डिग्री का कोण बनाना रहेगा उतना डिग्री का कोण मैं बना दूंगा। अब इसमें बच्चों आपको पता ये होना चाहिए कि 90 डिग्री से कम तो किस तरफ कोण बढ़ेगा और 90 डिग्री से ज्यादा किस तरफ कोण बढ़ेगा। तो जैसे हमारे पास एक रेखाखंड दिया हुआ है, हमारे पास एक रेखाखंड ए भी दिया हुआ है, तो मैं किस तरफ 90 डिग्री से, ये मान लो ये मैंने खींचा, ये 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे, ठीक है, ये तो 90 डिग्री कोण है। अब अगर मुझे 90 डिग्री से कम का बनाना हो, जैसे मुझे 80 डिग्री का कोण बनाना हो, तो मैं किधर बनाऊंगा, इधर बनाऊंगा इधर बनाऊंगा, बताओ, तू बता रहे, बाई तरफ बनाऊंगा, क्यों बाई तरफ, माइनस में होता है। ऐसा कोई रूल नहीं है कि बाई तरफ बनाना है। अब ध्यान से समझो कि आपको कोण किस तरफ बनाना है। ये हमारे पास एक रेखाखंड था, ठीक है, इस रेखाखंड में हमें सबसे पहले क्या करना होता है कोण बनाने के लिए, अगर हमें कोण 90 से कम का बनाना है, इस बिंदु से 90 डिग्री से कम का कोण अगर हमें बनाना है, तो हमें यह ध्यान होना जरूरी है कि जो रेखा अंदर की तरफ जा रही है, ये जो रेखा अंदर की तरफ जा रही है ना, तो इस तरफ तो 90 डिग्री से कम के कोण बनेंगे, और रेखा से बाहर की तरफ 90 से ज्यादा के कोण बनेंगे। जैसे 120 डिग्री का कोण बनाना है ना, तो इस रेखाखंड पे इस तरफ बनेगा लगभग लगभग इतना, 150 डिग्री का, 150 डिग्री बनाना इस तरफ बनेगा, 180 का इस तरफ बनेगा ही, इस तरफ भी बन सकता है 180 का, तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर 90 डिग्री से कम का कोण हमें बनाना हो इस रेखाखंड से, है ना, इस रेखाखंड से बनाना हो, तो 90 डिग्री के कोण भुजा के अंदर की तरफ ही बनेंगे, इस तरफ, जैसे जैसे ये 75 का है, ये 60 का है, ये 45 का, ये 30 का है, इस प्रकार से। और अब अगर मुझे इस रेखाखंड के इस बिंदु पे कोण बनाना हो, तो मुझे पता तो होना चाहिए कि मैं 90 डिग्री का कोण ऐसे बना दूंगा और यहां से यहां तक लाइन खींच दूंगा, ये तो मैंने 90 डिग्री का कोण तो बना लिया। लेकिन मैं अब आपसे बोलूं कि मुझे 75 डिग्री का कोण बनाना है, इसमें तो कैसे बनाओगे बताओ, बाई तरफ, क्यों? अभी हमने रूल देखा था, क्या नियम देखा था, कि अगर रेखाखंड पे, रेखाखंड के बिंदु पे कोई भी कोण हमें बनाना है 90 डिग्री से कम का कोण, तो किस तरफ बनेगा, जिस तरफ रेखा बढ़ रही है, यानी कि रेखा के अंदर की तरफ, ये रेखा यहां से इस तरफ बढ़ रही है ना, तो 90 डिग्री के इधर कितने कोण बनेंगे, सारे छोटे कोण बनेंगे, 10, 20, 30, 40, 45, 50, 90 यहां तक के कोण। और अगर 90 डिग्री से बड़ा कोण बनाना है तो किस तरफ बनेगा, वो इस भुजा के दाएं तरफ बनेगा, इस तरफ, जैसे ये 120 डिग्री का, 150 डिग्री का, इस प्रकार से। तो ये चीज आप ध्यान रखना, इस प्रकार तो हम चांदी की सहायता से कोण का निर्माण कर सकते हैं। अब प्रकार और पेंसिल की सहायता से हमें कोण का निर्माण करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले भुजा लेंगे, ऐसे ले ली भुजा, रेखाखंड ले लिया, ये ए बी, ए डैश बी डैश, कोई बात नहीं, पी क्यू नाम देते हैं इसको, ठीक है, इस रेखा का नाम है, इस रेखाखंड का नाम है पी क्यू। अब मैं आपसे कहूं कि पहले मुझे आप इसमें 90 डिग्री का कोण बना के दिखाओ बिना चांदी की सहायता से, तो आप कैसे बनाओगे बताओ, कैसे बनाओगे,
आप प्रकार और पेंसिल के साथ ऐसे भी कोण का निर्माण कर सकते हैं। आपको क्या करना है, प्रकार लेना है और प्रकार में पेंसिल डाल लेनी है और फिर क्या करना है, प्रकार की नोक को यहाँ पी बिंदु पे रख कर और थोड़ा सा खोल के और आपको यहाँ पे क्या करना है, एक चाप काट देना है। ठीक है, ये प्रकार रखा और इस प्रकार से चाप काट दिया। अब क्या करना है, जहां पे ये दोनों बिंदु क्रॉसिंग कर रहे हैं, प्रतिच्छेद कर रहे हैं दूसरे को, वहां पे प्रकार को रखना है। जितना आपने इसके लिए खोला था ना, उतना ही खुला हुआ रहने देना, कम ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो यहां से यहां तक जितना आपने प्रकार खोला था, उस प्रकार की नोक को वही की वही रख के, यहां से रख के और ऊपर की तरफ एक चाप काट देंगे। तो यहां आपने, यहां आप प्रकार रखोगे तो लगभग इतना चाप कट जाएगा। फिर उस चाप, जहां पे आपने चाप काटा है, उस प्रतिच्छेद बिंदु पे दोबारा नोक रख के फिर आगे की तरफ आप एक और चाप काट दोगे। एक और चाप काटने के बाद अब ये दोनों चाप कट गए हैं। अब आपको क्या करना है, इस चाप पे, इस चाप के प्रतिच्छेद बिंदु पे नोक रख के एक ऊपर की तरफ चाप काटना है और इस चाप के ऊपर नोक रख के इस तरफ चाप काटना है। अब ये दोनों जहां पे क्रॉसिंग होके मिल रहे हैं, वो कन्फर्म 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये अपने पास क्या है, एक नियम है। तो इस प्रकार से हमारे पास ये कितने डिग्री का कोण आ गया, 90 डिग्री का। अब अगर हमें 30 डिग्री का बनाना हो, 60 डिग्री का बनाना हो, 45 डिग्री का बनाना हो, तो कैसे बनाएंगे बताओ। इतना पता है कि 90 का आधा कितना होता है, 45 डिग्री का कोण होता है। तो अगर मुझे 45 डिग्री का कोण बनाना है तो मैं कैसे बनाऊंगा। अब हमें प्रकार और पेंसिल की सहायता से अगर इसमें बाकी के कोण बनाने हैं, तो जैसे मानो यहाँ पे ये तो कोण अपने पास 90 डिग्री का था, समकोण आ गया था। ठीक है, हमने बना लिया था प्रकार की सहायता से, इधर ये चाप काटा था, फिर यहाँ से यहाँ चाप काटा, फिर यहाँ से यहाँ चाप काटा, फिर इसको इससे मिला, फिर इसको इससे मिला, इस प्रकार से 90 डिग्री का कोण हमने बना लिया था।